देश के ख्यात गायक और संगीतकार कैलाश खेर ने रतलाम जिले में कोरोना से लड़ाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए लोगों के नाम संदेश दिया है। खेर ने अपने संदेश में लोगों से जिला प्रशासन के नियमों को मानने, घरों में रहने और कोरोना से बचाव के लिए सभी सतर्कता बरतने की अपील की है। निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे जिला प्रशासन के, जिस प्रकार से हमारे पुलिस सेवाएं, जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा सेवाएं, जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य सेवाएं और सभी कर्मी और सभी अधिकारी रात दिन अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान की रक्षा के लिए डटे हुए हैं और रतलाम को सुरक्षित किए हुए हैं, मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, हमारी सरकारों के दिशा निर्देशों को, हमारे प्रशासन के दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालन करें। तत्पश्चात ये भी देखें कि कोई छुपा ना रहा हो, उसको भी छुपाने वाले को छुपाने ना दें और स्वयं को सुरक्षित रखें। मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बरतें, इस प्रकार से आप अपना कर्तव्य निष्ठा का परिचय दें, कर्तव्य परायणता का परिचय दें। मैं ये निवेदन करता हूं कि यदि जिस प्रकार से हमारे अधिकारीगण सब लगे हुए हैं अपनी जान की बाजी की परवाह ना करते हुए, इस प्रकार से एक दिन रतलाम भी जीत जाएगा और हम सब जीत जाएंगे, इस खुशी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। रतलाम शहर की धार्मिक गतिविधियों की चौतरफा चर्चा होकर सुर्खियों में रहती है। प्राचीन चिंताहरण गणपति मंदिर भी कोरोना महामारी के बीच जारी लॉकडाउन में सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गणेश प्रतिमा द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिया जाने वाला संदेश है। भगवान बोलते नहीं, लेकिन भगवान जो करते हैं वो सभी मानते हैं। ऐसे ही विश्वास के साथ रतलाम के पैलेस रोड स्थित चिंताहरण गणेश मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों ने सामूहिक निर्णय लेकर मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा को मास्क पहनाया, साथ में रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाओं के मुंह पर भी मास्क पहनाया गया। रतलाम रियासत के समय से करीब 300 साल पुराने नित्य चिंताहरण गणपति मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। कोरोना महामारी के दौरान जारी लॉकडाउन में फिलहाल मंदिर केवल सुबह और शाम आरती के लिए खुल रहा है, लेकिन मंदिर की आरती में कुछ श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आरती की जाती है। भक्तों के यहाँ आने की वजह यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना, मन्नतें, विघ्नहर्ता दूर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरती के समय भी सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर आना अनिवार्य कर रखा है। मंदिर के घंटे गूंजते ही आसपास रहने वाले परिवार अपने ही घरों में हाथ जोड़कर आरती में शरीक होते हैं। भक्तों ने चिंताहरण गणपति जी की प्रतिमा पर भी चोला चढ़ाते समय मास्क लगाकर हर भक्त को संदेश दिया है। भक्त मानते हैं आई विपदा को दूर करने के लिए स्वयं गणपति जी भक्तों को सुरक्षित रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। श्रीमती रत्नापाल, अभी कोरोना महामारी चल रही है, लोग घरों में बैठे हैं, आप मंदिर में रोज आते हैं, किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर, क्या किस चीज का पालन ज्यादा कर रहे हैं? मैं मंदिर से गत 25 वर्षों से आ रही हूँ। अभी कोरोना की वजह से मंदिर बंद भी रहता है, लेकिन शाम सुबह खुलता है। क्योंकि मेरे रोज़ दर्शन करने की आदत है तो रोज़ आना जाना चलता है। मास्क लगा कर आते हैं और ऐसी सुबह जल्दी आ जाते हैं, ऐसी मतलब चूँकि सड़कें बिल्कुल सुनसान है तो अकेले आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, घर पास में ही है, मास्क लगा कर आना और यदि कोई रास्ते से गुजरता भी है तो उससे 2 या 3 फीट की दूरी रखना, इस तरह से मंदिर आते हैं। मंदिर में आए आप, इतने सालों से मंदिर में आ रहे हैं, अब अचानक क्या देखा परिवर्तन मूर्तियों में, क्या लगा आपको? दूसरे मंदिरों का तो नहीं कहूँगी, बट चिंताहरण मंदिर का जरूर कहूँगी मैं। यहाँ पर चूँकि ये मेन रोड मार्केट से जुड़ा हुआ मंदिर है, मार्केट में ही है, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, लेकिन भीड़ है नहीं अभी। फिर भी कुछ लोग जहाँ से गुजरते हैं वो जालियों लगी हुई है मंदिर में बाहर से ही दर्शन करते हैं, तो कम से कम वो ये ज़रूर देखेंगे कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को भी हमने कपड़े से बांध रखा है, मास्क लगा रखा है। तो जिस तरह से ये मास्क लगा हुआ है उसी तरह से भगवान भी ये बोल रहे हैं कि मैं चिंताहरण तो हूँ, चिंताओं का हरण तो मैं करूँगा, लेकिन कब करूँगा? जब आप मेरी बात मानेंगे। आप मेरी बात मानकर जिस तरह से मैंने मास्क लगाया है आप भी मास्क लगाएंगे तो आपकी चिंताओं का हरण अपने आप ही हो जाएगा। ये चिंताहरण गणेश जी का संदेश है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ढंग से समझाया है।
बीरियाखेड़ी क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का वितरण किया गया। दक्ष स्किल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी और प्रगति पथ परियोजना द्वारा 300 मास्क का वितरण किया गया। यह मास्क हर्षिता कसेरा, भावना मंडरा, ममता वर्मा, हेमलता ममता, सुनीता गहलोत, उषा अरोरा तथा ज्योति ने स्वयं बनाए हैं। इस मौके पर संस्था के अपूर्व शर्मा, पुरुषोत्तम पुरोहित तथा जितेंद्र वत्स उपस्थित थे। गवली मोहल्ले में सूखला भूसा डालने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के परिवार पर हमला करने के लिए लट और हथियार लेकर पहुंच गया था। मारपीट होने पर पड़ोसी की शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष माणक चौक थाने पहुंच गया और मारपीट की रिपोर्ट कर दी। मामले की जानकारी देते हुए जीवन गवली ने बताया, कम से कम 10-15 महीने सीन के पास सुबह सुखले की गाड़ी आई थी तो हमारे नाली वगैरह में मैं घर में उठ रहा था। हमने इनसे बोला कि धीरे से सुखला भर लो या फिर रोज रोज आप ला रहा हो तो गाड़ी ठेला गाड़ी से मैं बोंद्रे भर भर के ले आओ ताकि हमारे घर में सुखला नहीं उड़े। ये बात पे कहने पे लट लेके ना मारने आ गए 3-4 दिन। दोनों महिलाओं को मारा है, कैसे मारा इन्होंने? ये इनका धारदार हथियार था साहब इनके पास। अच्छा, लट भी थे, धारदार हथियार भी थे। आए दिन सुखला लाते घर के सामने, हमारे घर में उड़ता था सुबह सुबह, छोटे छोटे बाल बच्चे घर में उड़ते साफ कर रहे थे झाड़ू लेके। अब लेडीज है थोड़ा सा बोला कि इधर मत करो उधर कर दो, आए दिन साहब विवाद करते हैं। 8 दिन पहले भी इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट हुई है। इस मामले में चंदा भाई का कहना है, सर हमारे घर के आगे रोज सुखला आ जाता है, तीसरे दिन गाड़ा भर भर के लाते हैं, बोलते नहीं भैया तुम ऐसे सुखला लाते हो, कहीं में भर के लाओ। अब हमारे घर के अंदर सर चल के देती हूँ है नी, जाल के देखना भले कि कितने परे। पहले एक बार गमने के दे होएगा, अपने को क्या करना है, रोज के रोज का काम इनका तो नहीं समझ में आती। आज मैं झाड़ के मन के भैया तेरा सुखला लाना हो या ढोकला उन लग रहा तो तू कुछ में भर के लाओ, तो बोला कि क्या हूँ तुम्हारे से हो जो कर लो थाने में करो या तुम्हारे जहाँ लगते हो वहाँ पे लगाओ, हम तो लाएंगे, लाओ लटन में मारने लग गए। एक बार के नहीं, दो दो बार। इनका नाम क्या है आपके साथ में? लक्ष्मी भाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर भी है। कोरोना की जंग जीतने में लगे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, निगम कर्मी और मीडिया कर्मियों का नागरिक सम्मान कर हौसला बढ़ा रहे हैं। रत्नपुरी में क्षेत्रीय नागरिकों ने जिला चिकित्सालय के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद प्रजापति, विक्की साकला तथा मीडिया कर्मी स्वदेश शर्मा का स्वागत कर अभिनंदन किया गया। यहाँ नागरिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ताली शंख बजा कर सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय रहवासी उपस्थित थे। उंकाला रोड स्थित सूरजमल जैन नगर के मेन रोड पर पानी ही पानी के नज़ारे हैं। बताया जाता है कि करीब एक महीने से निगम की पाइपलाइन फूटने से इस क्षेत्र में पानी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन निगम अब तक बेखबर ही है। क्षेत्रीय रहवासियों ने इस समस्या की शिकायत निगम आयुक्त से की, तब नगर निगम कर्मचारी आए जिन्होंने फूटी पाइपलाइन तो ठीक नहीं की, वहीं गड्ढा और बड़ा कर चले गए। इस गड्ढे में पानी भरा रहता है जो दिन भर सड़क पर व्यर्थ बहता है और नागरिक पानी की किल्लत से परेशान होने लगे हैं। क्षेत्रीय नागरिक ने उप समस्या पर एएन टाइम्स को बताया। क्या नाम भैया आपका? गोविंद लोहार। ये कौन सा रोड है? ये उकाला रोड सर, सूरजमल जैन नगर। यहाँ ये कितने दिन से परेशानी चल रही है? 1-1.5 माह से सर, और कमिश्नर साहब को वीडियो भी पहुँचा दिया यहाँ का करके, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई किसी ने आके भी नहीं देखा? आके देखा, वो ठेकेदार के आदमी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा खुदा हुआ था तो उसको पूरा खोद के 10-12 फीट लंबा कर दिया और 5 फीट गहरा कर दिया, कोई भी गिर जाए तो उसकी मैयत ही उठेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वायरस की भूमिका अहम रोल निभा रही है। स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस के साथ ही नगर पालिका के सफाई कर्मचारी इस जंग में अपना 100% देकर शहर को स्वच्छ रख रहे हैं, तो पुलिसकर्मी भी दिन रात चौराहे पर घर परिवार से दूर तैनात है। राजस्व विभाग के कर्मचारी भी लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला अपनी जान जोखिम में डालकर भी मरीजों का लगातार उपचार कर रहा है। ऐसे ही एक कोरोना फाइटर हैं जावरा के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ दिनेश उपाध्याय। उपाध्याय अपने एक फेफड़े को लेकर ही इस जंग में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए महामारी से निपटने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। जावरा के शासकीय चिकित्सालय में शहरी बीई के पद पर पदस्थ
दिनेश उपाध्याय को फेफड़ों में परेशानी होने पर 1 जनवरी 2017 में अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उनका ऑपरेशन करके एक फेफड़ा निकाल दिया गया था। उसके बाद से ही उपाध्याय एक फेफड़े के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। वर्तमान में जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इसी जंग में जावरा के दिनेश उपाध्याय अपने एक फेफड़े के साथ कोरोना महामारी के बीच सुबह 8 बजे से लेकर देर रात तक काम कर रहे हैं। उपाध्याय ने 15 मार्च से लेकर अभी तक करीब 8600 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। उपाध्याय बीएमओ डॉक्टर दीपक पालड़िया के मार्गदर्शन में अपने साथी अकील मोहम्मद और शैलेंद्र दवे के साथ मिलकर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, अभी तक आप कितने लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं? करीब करीब 9000। आपको क्या तकलीफ है और किन परिस्थितियों से गुजर के आप स्क्रीनिंग का काम करते हैं? मेरे तो एक ही लम्स है सर, मेरे 2017 में 1 जनवरी 2017 को मेरा बहुत ज़्यादा लम्स का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे तो एक फेफड़ा निकाल दिया गया और मतलब उसके बाद मेरा अब ठीक है स्वास्थ्य का। मैंने कहा चलो कम से कम स्वास्थ्य अब तो इस महामारी के लिए मैं मतलब के मतलब अच्छे मतलब मुझे और अच्छा काम करूँ, देश के लिए सेवा करूँ, ताकि मैं मतलब के अपने जावरा नगर की और आसपास के जितने भी जो मतलब जो व्यक्ति हैं उन लोगों की मैं अच्छी उसको देता हूँ सेवा दे सकूँ, और उन लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा हूँ रात दिन, मतलब उसी सेवा में लगा हुआ हूँ। और मैं जब तक मेरे में ताकत रहेगी जब तक मैं ये काम करता रहूँगा। आपकी इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी आप ऐसा काम कर रहे हो, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि कभी अपना हार नहीं मानना चाहिए और अपने को अपने जीवन से भी बढ़ के देश की सेवा है और उसके लिए सतत अपने को कोई अपनी सेवा में कमी नहीं रखना चाहिए।